सब्सक्राइब करें मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं मिकेश सर आपके लिए स्ट्रेट लाइन के एक पजल को लेकर आया हूं और हम लोग इसको सीखेंगे कि इस पजल को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ये जो दिया गया प्रश्न है, ये स्ट्रेट लाइन पजल। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एट पीपल, आदिया, आदित्य, साहिल, अनन्या, अनिष्का, अंकुर, रिया, रोहित एंड काव्या। आदित्य है ये। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, दे हैव डिफरेंट एज, सबके अलग अलग एज है, 13, 18, 20, 23, 29, 33, 32, 39, 40 और 49, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मेन इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दिया हुआ। कहता है आदित्य इज सिटिंग थर्ड टू द वन हु इज 23 ईयर ओल्ड। अब देखो, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि आदित्य इज सिटिंग थर्ड टू द वन हु इज 23 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर हम लोग एक ले लेंगे कि देखो, जैसे ये 23 ईयर ओल्ड है तो इधर हो जाएगा एक, नहीं दो, नहीं तीन, ये क्या हो जाएगा, ये आदित्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आया आपको दिया हुआ, अनिष्का एंड द वन हु इज 23 ईयर ओल्ड आर सिटिंग टूगेदर। देखिए, अनिष्का और जिसका उम्र 23 वर्ष है, वो दोनों एक साथ बैठे हैं, तो 23 वर्ष वाले का उम्र का तो आपको पता चल गया। अब आपके पास यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि आइदर अनिष्का यहाँ हो सकती है या अनिष्का इधर हो सकती है। तो उस स्थिति में आप दो सिचुएशन ले सकते हो, जैसे ये 23 ईयर हुआ तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हो गया आपको आदित्य। और जब ये आदित्य है तो हम एक ये सिचुएशन है कि हम यहाँ पर अनिष्का को रख सकते हैं। तो अनिष्का और 23 ईयर जिसका उम्र है वो दोनों एक दूसरे के साथ है, और यहाँ पर जो जगह है वो ये हो जाएगा कि ये अनिष्का है और जिसका उम्र 23 वर्ष है वो दोनों एक दूसरे के साथ है। नेक्स्ट लाइन से हम लोग चलेंगे, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन काव्या एंड द वन हुज एज इज 49 ईयर्स। कहते हैं जो काव्या और जिसकी उम्र 49 वर्ष है उनके बीच में एक व्यक्ति है। ये आपका तीसरा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ रफ जो है उन रफ को लिखेंगे। देखो क्या दिया हुआ है कि काव्या और जिसका उम्र 49 ईयर है उनके बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अंकुर एंड काव्या इज 5 ईयर। देखिए, अब यहां पर 5 ईयर का जो डिफरेंस है वो आपको दो जगह दिखेगा। एक तो ये 13 और 18 के बीच का अंतर 5 होता है, दूसरा जो अंतर होता है वो 23 और 18 के बीच में होता है, और कहीं पर भी आपको 5 का अंतर नहीं मिलेगा। यानी अगर हम यहां से चले, आपको जो दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अंकुर एंड काव्या, एक हो गया अंकुर और दूसरा हो गया काव्या, इन दोनों के उम्र का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, तो वो 5 साल होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है काव्या इज नॉट 13 ईयर ओल्ड। तो काव्या इज नॉट 13 ईयर ओल्ड, तो एक तो संभावना यह हो सकता है कि अगर काव्या 18 होगी तो अंकुर 13 होगा। दूसरा यह हो सकता है, यह आपका पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा यह हो सकता है कि अगर हम यहां पर 18 या 23 कर दें और यहां पर भी 18 या 23 कर दें, तो इनके बीच में अभी भी जो डिफरेंस है वो 5 साल का ही रहेगा। यहां पर इनके लिए दो सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है द वन हु इज 10 ईयर older than Anishka is sitting third to the right of Anishka। कहते हैं वह जिसका उम्र, वो जो 10 साल ओल्डर है यानी बड़ा है, किससे, अनिष्का से, वह अनिष्का के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा हो। अनिष्का आपको यहाँ मिली हुई है, अनिष्का से अगर चलेंगे तो 1, 9, 2, 9, 3 वो होगा जो 10 वर्ष बड़ा होगा, किससे, अनिष्का से। तो अभी यहाँ पर जो 10 का अंतर है वो दो जगह पर है। एक तो आप देख सकते हो कि 29 और 39 के बीच में 10 का अंतर है, दूसरा अंतर जो है वो 39 और 49 के बीच में। यानी हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर, हम लोग ये ले सकते हैं कि देखो, अगर अनिष्का 29 हुई तो ये जो बंदा होगा ये 39 हो जाएगा, और यदि ये 39 हुई तो ये बंदा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहां से भी वही चीज हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि अनिष्का दिया हुआ है तो अनिष्का के लिए हम लोग रख सकते हैं 29 या 39, तो पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा ये क्या हो जाएगा, 29 या 49, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो कहता है रोहित एंड अनन्या आर सिटिंग टुगेदर, और देन क्या लिखा है, वन ऑफ देम इज सिटिंग
एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, कहता है कि या तो रोहित या अनन्या दोनों में से कोई एक जो है वो लाइन के कोने पर है और यह दोनों जब भी बैठेंगे यह दोनों साथ साथ बैठेंगे। आपको फिर यहां से मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आदित्य इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अनिष्का एंड रोहित, आदित्य जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, तो इन द मिडिल ऑफ अनिष्का एंड रोहित। देखो अनिष्का यहाँ मिला, अगर इस ग्राफ में चलेंगे तो हर हाल में हमको रोहित को इधर लेना होगा तभी हम इनके बीच में आदित्य को रख सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अनिष्का और आदित्य के बीच में एक गैप है, उसी तरह से यहाँ पर हम एक गैप यानी यहाँ रोहित रख देंगे तो रोहित और आदित्य के बीच में भी क्या हो जाएगा, एक का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि रोहित अनिष्का और आदित्य के बीच में तीन का अंतर है, तो हमको यहाँ पर भी तीन का अंतर बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक नहीं दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक लाइन और इधर जाएंगे तब यहाँ पर रोहित रखेंगे तो रोहित और आदित्य के बीच में तीन होगा, तो यहाँ पर भी अनिष्का और आदित्य के बीच में तीन होगा। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ पर्सन दो दो चार दो छह दो आठ और एक नौ हो जाता है, जबकि हमको दिया गया है कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो मेरे आठ है। तो यह ग्राफ क्या हो गया, यह ग्राफ आपका रॉन्ग हो गया। अब आपके पास केवल एक ही ग्राफ है, आपको इसी पर क्या है कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, यानी अभी जो हम लोगों ने बनाया यहां तक ये बिल्कुल सही बनाया। नाउ आगे अगर हम लोग यहां से देखेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है आदित्य इज 12 ईयर यंगर देन अनन्या। अच्छा आदित्य जो है वो 12 साल छोटा है किससे, अनन्या से। तो 12 साल का जो अंतर है वो कहां है वो देखिए, तो 12 साल का अंतर एक तो आपको ये दिखेगा ये 20 होगा तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यही आपका 12 साल का अंतर है, अदरवाइज 12 साल का डिफरेंसेस कहीं पर भी नहीं है। यानी हमारे पास एक ये इंफॉर्मेशन हो गया आदित्य इज 12 ईयर यंगर देन अनन्या, यानी अनन्या जो है वो कितने वर्ष की है, तो अनन्या का उम्र जो होगा वो हो जाएगा आपको कितना 32 बरस। तो जो आदित्य है आदित्य का उम्र कितना हो जाएगा 20 बरस। अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। आदित्य तो हमको मिला हुआ है तो आदित्य के लिए जो जगह है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अनन्या आपको मिल गया, देखिए आपको यहाँ पर आगे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि रोहित एंड अनन्या आर सिटिंग टुगेदर, रोहित एंड अनन्या आर सिटिंग टुगेदर एंड वन ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर। तो जब उन दोनों में से कोई एक कॉर्नर पर है, यहाँ पर तो आपकी अनन्या नहीं आ सकती है, तो अनन्या के लिए जो जगह बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो हम यहाँ पर इसके लिए जगह बना देते हैं अनन्या, क्योंकि हम जानते हैं कि अनन्या का जो उम्र है वो कितना है 32 साल है, तो अनन्या ये हो गया। अब ये कॉर्नर पर है तो लाइन इसका मतलब इधर बढ़ेगा, तो गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात, अगला जो होगा वो होगा आठ, ये मेरा लाइन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पर मालूम है आपको दिया हुआ है कि काव्या और जिसका उम्र 49 है इसके बीच में एक व्यक्ति है। आप देखो यहाँ पर अब काव्या और 49 के बीच में तो हो नहीं सकता है, काव्या के लिए जो जगह बचता है अगर हम काव्या को यहाँ पर रखते हैं तो काव्या और जिसका उम्र 49 वर्ष है उनके बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे एक, तो जब ये 49 होगा तो अनिष्का का उम्र कितना हो जाएगा 39। इस तरह से हमने यहाँ पर सारे का उम्र निकाल लिया। अब देखो अनन्या का उम्र निकल गया, आदित्य का उम्र निकल गया, आपको दिया हुआ है कि अंकुर और काव्या के उम्र का अंतर जो है वो 5 है। अब अंकुर को हम लोगों को रखना होगा, हम अंकुर कहाँ रख सकते हैं, अंकुर यहाँ तो नहीं रख सकते, अंकुर यहाँ नहीं रख सकते, अंकुर यहाँ नहीं रख सकते, अंकुर यहाँ नहीं रख सकते, अंकुर को यहाँ रख सकते। अगर ये अंकुर होता है तो ये काव्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसका उम्र कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर रख के देख सकते हैं। लेकिन अभी एक लाइन और है जिसको हमने यहाँ पर स्किप किया था, वो लाइन ये है कि अनन्या इज 9 ईयर ओल्डर देन साहिल, अनन्या का जो उम्र है वो छोटी है साहिल से कितनी, तो 9 वर्ष की छोटी है। आपको मालूम है कि अनन्या का उम्र कितना है 32 है, तो जब वो साहिल से छोटी है 9 वर्ष छोटी है, इसका मतलब अनन्या इज 9 ईयर ओल्डर, सॉरी ओल्डर है मतलब, तो वो बड़ी है, तो इसका मतलब कि वो जो साहिल है उसका उम्र कितना होगा 23 होगा। तो साहिल के लिए जो जगह बचता है वो ये बचता है। हम जानते हैं कि अब अंकुर हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, अंकुर के लिए जो जगह है वो कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। अब अंकुर और जो ये जो 23 और 18 का मैंने यहाँ पर जो गैप रखा था ये क्या हुआ 23, चूंकि साहिल का चला गया तो ये वाला ऑप्शन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि देखो काव्या हो जाएगी 18 वर्ष, अंकुर हो जाएगा 13 वर्ष
और एक नाम बच गया वो है टिया, तो टिया के लिए जो है वो ये हो जाएगा। अगर आप उम्र मिलाइएगा तो देखो 32 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, 20 नहीं हुआ है, 20 सॉरी 20 हो चुका है, 23 हो गया, 39 हो गया, 49 हो गया, तो एक बच जाता है वो कौन सा है, तो वो है 29। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह के प्रश्नों को जहां पर एज का अंतर और एज के साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट यानी स्ट्रेट लाइन का जो पजल आता है उसको हम लोग बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं, तब जब हम लोग ये दो ऑप्शन लेंगे। अब आपने देखा कि दूसरा जो था वो तुरंत क्या होता है, वो रॉन्ग हो जाता है। इस तरह से जो पहला हम लोगों ने बनाया वो बिल्कुल सही बना। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिकेश सर आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।